हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जूहीज किचन फ्रेश एंड डिलीशियस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक नई रेसिपी, डबल फ्राई चिकन करी। तो यहाँ हमने 1/2 kg चिकन लिया है, इसे अच्छे से धो लिया है। यहाँ मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बनाई है, 4 प्याज और 5 हरी मिर्च का पेस्ट और 1 इंच अदरक और 5 कलियों का पेस्ट तैयार किया है। यहाँ अब हम चिकन को मैरिनेट करने वाले हैं। तो यहाँ हमने चिकन में तेल डाल दिया है। अब हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून चिकन मसाला डालेंगे। और यहाँ मैंने प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हम इनसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 नींबू का रस डालेंगे, आप इसकी जगह दही का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इन्हें अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे, 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख देते हैं। यहाँ हमने साबुत मसाले लिए हैं, 2 तेज़पत्ते, 10 से 12 काली मिर्च, 1 बड़ी लौंग, जावित्री, 3 से 4 लौंग, खसखस और दालचीनी ली है। अब हम सभी साबुत मसालों का पाउडर बना लेंगे। अब हम इस पाउडर को मैरिनेट किए हुए चिकन में डाल देंगे, 1/4 टीस्पून। अब हम एक कढ़ाई में 50 ml सरसों का तेल डाल के गरम कर लेंगे। हम इस प्रकार कढ़ाई को घुमाकर अच्छे से तेल फैला लेंगे ताकि हमारा कोई भी चिकन जले नहीं। अब हम इसमें करी पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं, इन्हें हम अभी फ्राई कर रहे हैं। करी पत्ता डालने से इसमें फ्लेवर अच्छा आता है। हम इसे 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे, लगभग आधा फ्राई करना है हमें, इसके बाद हम हमें इसे निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे, लगभग 125 से 150 ml। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें राई, जीरा और खड़े मसाले का पाउडर डालेंगे और 2 तेज़पत्ते डालेंगे। इसके बाद हम प्याज, हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। इसे हमें अच्छे से भूनना है, चम्मच चलाते हुए हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे। हम बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारे प्याज जले नहीं। अब हमारे प्याजों का कलर भी चेंज होने दिख रहा है, आप देख सकते हैं हमारे प्याज भून गए हैं अच्छे से। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और चम्मच से मिलाते हुए अच्छे से मिक्स करके इसे फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम अच्छे से भून लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पेस्ट का कलर काफ़ी चेंज हो गया है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। इसे चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिक्स करते हुए हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे। लगभग 5 मिनट तक हम इन्हें अच्छे से भूनते रहना है। ध्यान रहे आपका पेस्ट नीचे से जले नहीं, इसलिए आप चम्मच चलाते रहेंगे। यह हमारा सभी पेस्ट अच्छे से भून रहे हैं। तब तक हम एक बाउल में 2 टीस्पून चिकन मसाला ले लेंगे।
वन टीस्पून हल्दी पाउडर, वन टीस्पून धनिया पाउडर, वन टीस्पून हल्दी पाउडर और वन टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे और वन टीस्पून नमक डाल के हम इसमें गरम एक कप गरम पानी डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। हमारे प्याज भी अच्छे से भून गए हैं, सभी पेस्ट अच्छे से भून गया है। अब हमने जो मसाला घोला था हम उसे डालकर अच्छे से मिला लेंगे। आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा पानी लेकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को अच्छे से भूनने देंगे। लगभग 6 से 7 मिनट तक के चम्मच चलाते हुए हम इन्हें भून लेंगे। यहाँ हम ढक्कन ढक देते हैं, बीच बीच में हम चम्मच चलाते हुए देखते रहेंगे। हम मसालों को मीडियम फ्लेम में अच्छे से भूनने देंगे। यदि आपको लगता है कि आपके मसाले जल रहे हैं तो आप आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें फ्राई किए हुए चिकन को डाल देते हैं। यहाँ हमने सभी फ्राइड चिकन पीस को ऐड कर दिया है और अब हम इन्हें चम्मच से चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। लगभग 5 से 6 मिनट तक चम्मच चलाते हुए हम इन्हें पका लेंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसमें 2 कप गर्म पानी ऐड कर देते हैं। आपको जितनी करी की आवश्यकता है आप उस अनुसार पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से चम्मच चलाते हुए मिला लेंगे। वो मीडियम फ्लेम पर हम चिकन को पकने देंगे। आपको चिकन में जितनी करी पसंद है आप उस अनुसार पानी ऐड करते रहेंगे। हमने यहाँ गर्म पानी ऐड किया है। अब हम ढक्कन ढककर लगभग 12 से 15 मिनट तक के पका लेंगे। वो बीच बीच में चम्मच चलाते हुए चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यह हमारा चिकन तैयार हो गया है। अब हम इसे हरी धनिया से गार्निश कर देते हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी डबल फ्राई चिकन करी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।